सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भय नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ 8 बजे से, और जो है धूप भी नहीं लगी है और ठंडा लग रहा है सुबह में। और सबसे पहले आप सबको फूल देवी त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज से जो है चेत का महीना भी स्टार्ट हो गया है, तो गाँव के बच्चे जो है घर घर में जाते हैं फूल डालने के लिए। दोस्तों मैं अपने लकड़ी वाले किचन में अभी पहुंच गई हूं, और मम्मी यहाँ भून रही है रामदाने को। ऐसा अभी नहीं भूना है, मम्मी ने चूल्हे पतीली पर रख रखा है भैंस के लिए पीना। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फूल देवी का त्योहार भी आ गए हैं, बच्चे घरों घरों में फूल खिलते हैं, डालते हैं, क्या हमारे घरवाल में बोलते हैं डालते हैं। तो इसको बना रही मैं और रामदाना भूनने के लिए, और आप वीडियो में बने रहना कैसे भूनते हैं रामदानों को। और घर घरों में फूल डालने के लिए आते हैं बच्चे, तो उनके लिए ऐसे देते हैं, कोई बिस्कुट देते हैं, कोई बाजार के खिले देते हैं, कोई घर के खिले देते हैं। तो मैं भी भून रही हूँ रामदानों को, तो मैं भी आ इन्हीं को दूंगी तब कल से बिस्कुट ऐसे। तो मैंने आप लोगों को दिखा दी हूँ बच्चों को क्या देते हैं घर में आके। डडुली को भी रखूंगी मैं चूल्हे में, तो मम्मी ने डडुली भी रख दी है चूल्हे में और अच्छी सी आग भी जल रही है। तो हम भूनेंगे चौलाई को अच्छी तरह से फुलारी के लिए। तो मम्मी ने देखिए चौलाई भी डाल दी है चूल्हे में, और चौलाई के दाने ना चटकने भी लग गए हैं। लगातार जो है हम इस डंडे को चलाते रहेंगे। देखिए चौलाई के दाने के छिल्ले है ना मम्मी, ये प्रसाद के रूप में माना जाता है बच्चों के लिए भी। हाँ, तो मम्मी आज इन्हीं को देगी बच्चों के लिए। हमारे घर में बच्चे आएंगे तो हम इनको प्रसाद के रूप में उनको प्रसाद के उसमें देंगे बच्चों को। तो चौलाई भी अच्छी तरह से भून चुका है, तो मम्मी इसको डालेगी थाली में। तो देखिए थाली में भी डाल दिया है, और मम्मी जो है थोड़ा और भून रही है बच्चों के लिए। और बच्चे भी छोटे गांव में ही 2-4 ही बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, कोई किसी के पेपर हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं 2-4 ही। मम्मी ने चौलाई भी भून ली है, मम्मी इसमें डालेगी गुड़। इसमें डालेंगे हम गुड़। दोस्तों मम्मी ने रामदाना भी तैयार कर दिया है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी फुलारी बच्चे तो नहीं आए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे फुलारी बच्चे। तब तक मैं चलती हूँ गौशाला, क्योंकि हमने आज जो है दूध निकाला तो गाय भैंस हमने बाहर ही नहीं निकाली, क्योंकि कल बारिश के कारण ना ठंडा हो रहा था बाहर, तो अब निकालूंगी मैं गाय भैंसे बाहर। तो दोस्तों अब चलते हैं गौशाला। और धूप भी जो है ऊपर पहाड़ियों पे आ गई है, और हमारे यहाँ जो है 9-10 बजे आती है धूप। दोस्तों मैं अपनी गौशाला भी पहुँच गई हूँ, और सबने देखिए गाय भैंसे बाहर निकाल दिए हैं, और हमने अभी अपनी गाय भैंसे बाहर नहीं निकाली हैं, तो निकालती हूँ मैं अपनी गाय भैंसे बाहर। तो मैंने अपनी गाय और भैंस बाहर निकाल दी है, अब इनके पास डालूंगी मैं घास। गाय और भैंसे मैंने बाहर निकाल दिए हैं, और उनके पास जो है सूखा घास भी डाल दिया है। अब मैं चलती हूँ घर। मम्मी ने एक थाली पे देखिए चौलाई भी भून के तैयार कर दिया है, और उसके ऊपर से मम्मी ने डाला है गुड़ बच्चों के लिए। एक प्लेट में मम्मी ने देखिए धूप भी तैयार कर दी है, धूप हो गया, तिल हो गया, चावल हो गया, और पिठाई भी तैयार कर दी है मम्मी ने। ये है हमारे घोगा महाराज जी। और ए
ऐसी फूलों माला से सजा रहे इतने छोटे बच्चों की गोगा राजा, और इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव के, और इतनी प्यारी सी बना रखी है गोगा राजा, ऐसी फूलों से सजा, बुरांस के फूल, प्योली पाती जो भी होते हैं इन्हीं से सजा रखी है हमारे बच्चों की, और इतने प्यारे छोटे छोटे हैं बच्चे अभी, इतने छोटे हमारे गांव के, ज्यादा बच्चे नहीं है, थोड़ा ही छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले के जमाने में बोलते थे कि छोटी छोटी डाली माँ, बड़ा बड़ा आम, बड़ी बड़ी डाली माँ, छोटा छोटा आम, ये पुलारी छोरो दोपहर एक गाम, क्योंकि घाम आ जाता था तो बच्चे फूल डालते थे, पहले हम डालते थे तो घाम आ जाता तो ऐसे बोलते थे था। और ये भी मैंने घर से बनाया, अपने हाथ से बनाया कल, और ये प्रसाद दे देंगे इन बच्चों को। पुजारी है, सबसे बड़ा पुजारी है, दो बार देते हैं, एक बार खराब हो जाता। ये कुंजी, कुंजी फूल डालने के लिए बच्चों के लिए ऐसी कुंजी, कुंजी बनाई जाती है, आ इसमें देखो पाया पाती रखी है बच्चों की, तो यही डालते हैं, आ ये भी निंगाल की बनाई हुई, हाथ से बनाई है, और इस तरह से इतनी सुंदर चंगेरी बना रखी है। दोस्तों फुलारी बच्चे भी चले गए हैं घर घरों में फूल डालने, और हमारे घर में तो फूल डाल दिए हैं। ये है पाया है, और ये क्या संटाई है, और ये बुरांस के फूल हैं, पाया पाती, ये पाया पाती है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी उधर। दोस्तों चलते हैं लकड़ी वाली किचन में, नाश्ता तो मैंने बना दिया है, तो चलते हैं नाश्ता करने लकड़ी वाली किचन में। मम्मी ने मेरे को एक थाली पर सुबह का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी परोस दिया है। ये है गेहूं के आटे की रोटी, और ये है काले चने, और यहाँ पे रखा है मम्मी ने घी। तो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का मजा लेते हैं। दोस्तों लेते हैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का मजा, और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।